अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट डिस्गस्टिंग स्कोर फ्रॉम पर्ची क्रिकेट बोर्ड। मैं आप लोगों को फैक्ट के साथ ये प्रूव करूंगा, सॉरी हार्श वर्ड तो है लेकिन ये बात दुरुस्त भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पर्ची क्रिकेट बोर्ड है, जो इनको लिख कर दिया जाता है वो मीडिया पर आकर वैसे ही सेम आकर बोल देते हैं। अभी सबसे जो बड़ी बात है, अभी पाकिस्तानी मीडिया पर क्या चल रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है पंजाबी को, उसके बाद देता है पठान को, इनके अलावा पाकिस्तान को कोई भी प्लेयर नज़र ही नहीं आता, या तो पंजाबी खेलेगा या फिर पठान खेलेगा। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सबसे बड़ा मौका था ये बात गलत साबित करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात गलत साबित कर ही नहीं सकता क्योंकि ये पर्ची क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। वो इस वजह से सब प्लेयर को, जितने भी सूबे के प्लेयर थे, आपस में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया। भाई आप लोगों को डिवाइड नहीं करना चाहिए था, एक सूबे का प्लेयर एक तरफ रहता है, दूसरे सूबे का प्लेयर दूसरी तरफ रहता, ऐसे ही डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वो उसका रीज़न ये था कि बहुत से लोग मीडिया पर आकर ये बात तो कह जाते हैं, बड़ा इजीली कह जाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पठान को प्रायोरिटी देता है और पंजाबी को, और ना सिंधी को देखता है ना बलूचिस्तान को देखता है, किसी भी प्लेयर को की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। अब भी सबसे बड़ा मौका था कि आप डिवाइड ना करते, जिसमें ज़्यादा दम होता, जिसकी बाजू में ज़्यादा ताकत होती, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता वो परफॉर्मेंस देता, वो पाकिस्तान टीम से आकर खेलता। अभी इन लोगों को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, सिंध के सिंध की तरफ से खेलते, पंजाब के पंजाब की तरफ से खेलते, केपी के केपी की तरफ से खेलते, बलूचिस्तान के बलूचिस्तान की तरफ से खेलते, ऐसे वो करते। जो पांचवी टीम थी आप उसको एक अलग स्टेट भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, पर्ची क्रिकेट बोर्ड ने वही किया जो इनको लिख कर दिया जाता है। और ज़्यादातर प्लेयर भी आप देखोगे तो मैं अभी आगे चल कर बताऊँगा किन किन प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है। दोस्तों इस पर आप एग्री हो के नहीं हो ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिवाइड नहीं करने चाहिए थे प्लेयर, ये साबित हो जाता अगर पंजाबी में दम है तो वो कप जीत कर चला जाता, अगर पठान में दम होता पठान जीत कर चले जाते, लेकिन एक कंपटीशन रहता, एक जोर लगता टीम का आपस में, कंपटीशन हाई कंपटीशन क्रिएट होता, लेकिन नई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर बिल्कुल भी तवज्जो ना दी। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल स्टाफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एडमिन हैं, जो पेज जो चलाते हैं, जिनको सिर्फ नाम वगैरह इंटर करना होता है, वो भी सोए हुए हैं। अभी नसीम शाह, आप मुझे ये बताएं, नसीम शाह क्या लाहौर की तरफ से खेलते हैं या लाहौर के प्लेयर हैं? लेकिन इसमें आप देखें क्या लिखा हुआ नसीम शाह के नाम के आगे, लाहौर। अभी आप मुझे बताएं, क्या मैं शायद गलत हो सकता हूं, क्या नसीम शाह लाहौर के हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर लिखा हुआ है, नसीम शाह फ्रॉम लाहौर? आप इस बात से एग्री करते हैं? ये भंग पी हुई है इन लोगों ने, एडमिन ने भी भंग पी होती है भाई, थोड़ा सा भी सर्च नहीं करते, लगता है क्रेडिट लेने में लाहौर को पीछे नहीं रखा जाएगा। जो भी काम होता है, अच्छा काम होगा तो लाहौर से होगा, अच्छा प्लेयर होगा तो लाहौर से होगा, मेडल गोल्ड मेडल कोई जीत कर लेकर आया है वो भी लाहौर है, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया था और वो लाहौर में बैठे हुए हैं। लाहौर को हम पेरिस बना देंगे लेकिन लाहौर की अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, लाहौर को एक पाकिस्तान की सिटी नहीं मानेंगे, इसको एक आला सतह पर लेकर जाएंगे, लेकिन क्रेडिट किसको दिया जाएगा वो सभी जानते हैं। अभी सबसे बड़ी ज्यादती आप ये देखें कि बहावलपुर को, बहावलपुर का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, बहावलपुर मोस्ट रिचेस्ट स्टेट है, जीडीपी में अगर देखोगे तो बहावलपुर भी अहम किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान के हक में, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक लेवल में देखोगे तो सिंगल, कोई एक सिंगल अपॉर्चुनिटी हो ना बहावलपुर में, वो भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए आकर एक बार विजिट करें, कुछ भी नहीं है ऐसा डोमेस्टिक लेवल पर बहावलपुर में, ना सिर्फ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, एक प्लेयर भी सिलेक्ट नहीं किया बहावलपुर की तरफ से, एक प्लेयर भी सिलेक्ट नहीं किया। आप खुला तजाद नहीं है ये, पाकिस्तान का एक छोटा नाम तो नहीं है बहावलपुर, लेकिन उनमें से एक भी प्लेयर नहीं है। चलो बहावलपुर तो एक स्टेट ही है, सिंध की तरफ आप देखो आपको सिर्फ एक या दो ही प्लेयर मिलेंगे, चलो सिंध की को भी साइड पे कर दिया जाए। अभी देखो बलूचिस्तान की तरफ आप देखो, बलूचिस्तान के सिर्फ दो प्लेयर हैं, सिर्फ दो प्लेयर हैं, सिंध को भी साइड पे कर दिया, बलूचिस्तान को भी साइड पे कर दिया, फिर बाकी टीम बनी कहाँ पर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सर्च करनी चाहिए, माना कि AI का ज़माना है, सिर्फ बटन दबाना है, कमांड देनी है, लिस्ट सामने आ जाएगी, लेकिन खुद से सर्च भी करनी चाहिए, टैलेंट ऐसे AI से नहीं तलाश किया जा सकता, उसके लिए हरकत करना पड़ती है, धूम में जाकर पसीना बहाना पड़ता है, AC में बैठकर
टैलेंट की पहचान नहीं की जा सकती। बलूचिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें बता दिया। सिंध में भी टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें बता दिया है। और आगे चलकर मैं बताऊंगा, बड़े बड़े प्लेयर के गले पर छुरी फिरी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पैथेटिक परफॉर्मेंस इसमें भी। अभी सभी मानते हैं कि 150 प्लेयर है, मैं भी एग्री करता हूँ, नाम के 150 प्लेयर है। अभी 5 टीम है, 5 टीम में अभी जो प्लेयर करंट सिलेक्ट हुए, स्कोर तो आप लोगों ने देखे होंगे लिस्ट में, जितने भी प्लेयर हैं एक टीम के पास 20 आई थिंक प्लेयर है, या फिर किसी के पास 21 है या किसी के पास 19 है। अभी एक टीम में 19-20 प्लेयर है, इतने इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन बाद में इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट करके कितने प्लेयर बचेंगे, सिर्फ 15 प्लेयर बचेंगे। और उन 15 प्लेयर में आपको वही सेम नाम नज़र आएंगे, सेम नाम से मैं मुराद है मेरा हारिस रऊफ आपको नज़र आएंगे, आपको बड़े बड़े नाम शाहिनशाह अफरीदी नज़र आएंगे, जो पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं ऑलरेडी, वही आपको उस स्क्वाड में मेन में नाम नज़र आएंगे। शदाब खान, हमारे कैप्टन द लेजेंड शदाब खान, बेस्ट स्पिनर नज़र आएंगे आपको। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो नाम है वो ऑलमोस्ट उस स्क्वाड में नज़र आएंगे। भाई इनके पास तो ऑलरेडी इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, इनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है। जो गंद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन लोगों ने किया हुआ है वो दोबारा इन डोमेस्टिक में ये करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है। ये तड़ी दिखाएंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर को, ये उनके सामने अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, फिर नंबर ले जाएंगे और फिर इंटरनेशनल में आकर फिर गंद कर जाएंगे। तो फिर हम नौजवान को कैसे आगे लेकर आएंगे? सरफराज अहमद मेंटोर है, सरफराज अहमद का इंटरव्यू भी आप लोगों ने सुना, मैं सरफराज अहमद के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सरफराज अहमद भी ये चैंपियन कप खेलेंगे। सरफराज अहमद ने अपने मुंह से कहा है कि कैप्टन कोई और ही रहेगा लेकिन मैं चैंपियन कप ज़रूर खेलूंगा। 37 के हैं ना, सभी जानते हैं सरफराज की एज जो है, लेकिन जो एक क्राइटेरिया रखा गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो है 35 साल। अभी 35 साल से जो भी प्लेयर ऊपर होगा वो चैंपियन कप नहीं खेल सकता, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रूल बनाया गया है, लेकिन मेंटोर ही खेल जाएंगे। लेकिन किन के गले पर छुरी फिरी है? मसूद के बारे में जानते हैं आप, शुएब मकसूद वो नहीं खेलेंगे, शर्जील नहीं खेलेंगे, अहमद शहजाद ने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले इनकार कर दिया और वो खेल भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस सभी जानते हैं उसका, वो जिस तरह इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने बड़ी बड़ी बातें की थी, मोहम्मद आमिर की चलो अच्छी परफॉर्मेंस थी, बॉलिंग थी, लेकिन इमाद वसीम के बारे में सभी जानते हैं, उसका सभी जान जाएंगे, बांडा फूट जाएगा उसकी परफॉर्मेंस का, इसलिए अहमद शहजाद ने तो दूरी इख्तियार कर ली। उमर अकमल नहीं खेलेंगे, उमर यमीन, यासिर शाह, नुमान अली और आसिफ अफरीदी, ये जो बड़े बड़े स्पिनर का खासतौर पर मैंने नाम लिया है ये भी नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान के जो मेन बैट्समैन हैं वो स्पिनर उनके लिए एक सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन बेस्ट स्पिनर ही चैंपियन कप में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं कर क्या रहा है, अल्लाह ही खैर करे। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जितने भी बड़े नाम हैं कैप्टेंसी के नाम पर इन लोगों का झगड़ा रहा है, परफॉर्मेंस इन लोगों की ज़ीरो रही है, जिसने भी कैप्टेंसी एक्सेप्ट की बाद में उसकी परफॉर्मेंस नीचे ही गई, चाहे शहनशाह अफरीदी हो, हमारे शान मसूद हो रिसेंटली, बाबर आजम के बारे में तो सभी अपनी ओपिनियन पेश कर ही दिया है सब लोगों ने, लेकिन कैप्टेंसी का इन लोगों का झगड़ा रहा है। अभी भी इनको चैंपियन कप खिलाया जा रहा है और दूसरे प्लेयर से ज़्यादा दर्जी दी जा रही है, एक्सपीरियंस के तौर पर आप उसको यूज़ करो, ड्रेसिंग रूम शेयर करें प्लेयर, लेकिन इन लोगों को ही चांस दिया जा रहा है। आरिफ यकूब सभी जानते हैं उसको मौका नहीं दिया जा रहा, दानिश अजीज़, साद बेग, मोहम्मद रमीज जूनियर, ऐसे कई नाम हैं, मैं अगर लिस्ट सामने रखूँ तो वीडियो तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं डोमेस्टिक लेवल पर जिन लोगों का नाम है उन लोगों को भी नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि उनकी जगह बड़े प्लेयर ने आकर ले ली है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना।